नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज ट्राई सिटी में एक अहम मुद्दे पर बातचीत होगी। अजय शुक्ला, ओवर टू यू। सचिन, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पंचकूला में एक लंबे अरसे से बरामदों में और दूसरी जगह अतिक्रमण खड़ा हुआ है, लगातार अतिक्रमण हो रहा है। प्रशासन तमाम दावे कर रहा है, नगर निगम तमाम दावे कर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष जो कि इलाके के सांसद विधायक हैं वो भी तमाम बार दावे कर चुके हैं, वायदे कर चुके हैं, लेकिन अतिक्रमण नहीं हट रहा है। क्यों नहीं हट रहा है? इतना नेक्सस हावी हो चुका है कि शायद वो किसी के काबू नहीं आ रहा है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए, क्योंकि इसके कारण होता ये है कि आम लोगों से तमाम बार लोगों के झगड़े हो जाते हैं, दुकानदार झगड़े करने लग जाते हैं, कभी कोई दूसरा झगड़ा करने लग जाता है। माना यह जाता है कि ये वोट बैंक को शायद प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वहां रहने वाले जो अतिक्रमण कर रहे हैं वो एक वोट बैंक है। इन सारी वजहों से समस्या इलाके के लोगों की आती है। इन्फोर्समेंट दस्ता हो या दूसरे हो, बस चालान के नाम के खानापूरी होती है। कुछ एक्ट में संशोधन करके राशि बढ़ाई गई, लेकिन उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि असल में वो किसी के संरक्षण में चलता है। अब वो संरक्षण से किसको कैसे फायदा होता है, क्या होता है, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में एक पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें उमेश सूद जी हैं जो पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन हैं और भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। मेरे साथ में राकेश अग्रवाल हैं जो संयोजक हैं पंचकूला विकास मंच के। मेरे साथ में भारत हितैषी जी हैं जो चेयरमैन हैं हाउस ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन पंचकूला के। मैं सबसे पहले हितैषी जी के ही पास जाऊंगा। हितैषी जी, जो हालात हैं उन सब कारणों से सेक्टर्स में रहने वाले लोग जिस तरह से प्रभावित होते हैं, आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपसे ही बात शुरू करते हैं। क्या आती है, क्या समस्या है, किस तरीके से फेस करते हैं? जी भारत जी, सबसे पहले तो मैं शुक्ला साहब आपका आभारी हूं कि इस गंभीर समस्या पर प्रकाश डालने के लिए आपने मेरे को समय दिया, बहुत बहुत आभार। शुक्ला साहब, बेशक हरियाणा विधानसभा के माननीय स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी व मेयर श्री कुलभूषण गोयल जी पूरी ईमानदारी से पंचकूला जिला व शहर को एनक्रोचमेंट व झुग्गी फ्री बनाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हों। स्पीकर ज्ञानचंद जी तकरीबन हर 15 दिन के बाद हुडा प्रशासन व नगर निगम अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश भी देते हैं, लेकिन शायद हुडा व नगर निगम के अधिकारियों ने इस गंभीर समस्या से मुंह मोड़कर लचर रवैया अपनाने की कसम खा रखी है। आज से 8 महीने पहले स्पीकर द्वारा बुलाई गई मीटिंग में एनक्रोचमेंट हटाने के लिए पंचकूला के DC को नोडल अफसर बनाया गया था और इस मीटिंग में फैसला लिया गया था कि किसी सेक्टर में एक बार एनक्रोचमेंट हटाने के बाद यदि फिर से एनक्रोचमेंट पाई गई तो उस एरिया के जूनियर इंजीनियर और कंसर्न SHO इसके लिए जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आज वास्तविक स्थिति पहले से भी बदतर है। आज सेक्टर 7 व सेक्टर 20 में जो 34 पुलिस अमेंडमेंट एक्ट है, उस एक्ट के तहत उसमें भी कार्रवाई करने को पुलिस को अधिकार है 34 पुलिस एक्ट में, और उसके तहत भी इनको एक्शन लिया जा सकता है। उस पे भी पुलिस, मैंने तो अभी तक देखा नहीं कि कोई पर्चा होता हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नोटिस दे दिए जाते हैं। आज हम अगर सेक्टर 7 व सेक्टर 20 में शाम को खाने पीने के वाहन व स्टॉल पे नजर दौड़ाएं, उन पर सैकड़ों लोग जमा होकर हुडा व नगर निगम प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे होते हैं, न केवल ट्रैफिक की समस्या पैदा करते हैं बल्कि गंदगी भी फैला रहे होते हैं। शुक्ला साहब, यहां तक कि वहां अवैध रूप से ढाबे चलाए जा रहे हैं। एक ढाबे में तो आग भी लग गई पीछे, और उस ढाबे को बंद करने के लिए अधिकारियों ने उनको नोटिस भी दिया, लेकिन आज तक उस ढाबे के खिलाफ उसको हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बहुत ही बड़ी चिंताजनक और बड़ी खेदजनक इसका मतलब है। निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं सारे लोगों का जिस तरह से एक सहभागिता है या संरक्षण है, जो चीज कही जाती है, आरोप लगते हैं, वो इसका मतलब है बिल्कुल सही है, क्योंकि इतना के बाद यदि कार्रवाई नहीं होती है तो किसी के जान माल से किसी को सरोकार नहीं है, सरकार को, प्रशासन को, स्थानीय निकाय जो नगर निगम है उसको और इलाके के विधायक को। चलिए मैं इसी पे आता हूँ जी, मैं इसी पे राकेश जी के पास आता हूँ। राकेश जी, आप भी जनता को चूंकि रिप्रेजेंट करते हैं,
पंचकुला विकास मंच के प्रमुख हैं, संयोजक हैं। तो आप कैसे देखते हैं और क्या आपने हालात देखे हैं? जी जी, धन्यवाद, आपने हमें इसमें जोड़ा। ये मुद्दा पंचकुला का आपको भी जैसे पता ही है, सालों से चलता आ रहा है। अब सवाल ये है कि जिस समय से, यानी कि 2017 से पंचकुला में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को लागू करने का निगम ने बेड़ा उठाया था, उस दिन से उसके नियम जो है, सब नियम सभी अपने प्रशासन पे और निगम पे लागू होने शुरू हो जाते हैं। उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि निगम क्या कर सकता है, प्रशासन क्या कर सकता है इनको एक जगह पे वेंडिंग जोन में लाने के लिए, उसके लिए क्या प्रोसेस है। आप निगम के, प्रशासन के या नेताओं के, अखबारों में तो आपको बयान बहुत अच्छे मिल जाएंगे, हर रोज मिल जाएंगे, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि वो एक भी नियम को लागू नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पंचकुला से अतिक्रमण कुछ ही दिनों में हटके वेंडिंग जोन में सारे वेंडर्स ना चले जाएं, ना जा सके, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरा प्रशासन है, पुलिस है इनके पास, नगर निगम की एनफोर्समेंट है, हुड्डा की एनफोर्समेंट है, वेंडर्स क्या चीज है इनके सामने। ये तो नियत और नियति का फर्क है, नियम लागू नहीं करना चाहते। एक बहुत बड़ा, जैसे आपने पहले का नेक्सस बना हुआ है, इधर से भी कमाई उधर से भी कमाई, भेज देंगे तो भी कमाई, नहीं भेजेंगे तो भी कमाई। जी जी, ये वो बड़ी अच्छी बात कही राकेश जी ने कि नियत और नियत दोनों नहीं है, और शायद यही वजह बन रही है। मैं पहले उमेश जी के ही पास आऊंगा, उसके बाद रावल जी के पास जाऊंगा। मैं, उमेश जी, आप जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं, आप उपाध्यक्ष भी हैं जिले के, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से एक साफ सुथरी राजनीति की उम्मीद की जाती थी, एक किया जाता था कि वो एक अच्छा प्रशासन देंगे, एक अच्छा सुशासन देंगे। आपके शब्दों में जैसे कहा जाता है भाजपा में सुशासन, उस सुशासन तो 7 साल में कहीं नजर नहीं आ रहा है। सारे तरह से भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है और अतिक्रमण भी बढ़ गया है, आखिर ऐसा क्यों? शुक्ला जी, जी आप आज से हमारी सरकार से पहले देखेंगे और आज देखेंगे जी। आप सेक्टर 9 की बात है, सेक्टर 9 में बहुत बड़ी संख्या में रेडी वाले वहां खड़े होते थे और वहां गाड़ी चलाना भी बड़ा मुश्किल था। उसके अलावा सेक्टर 7 में जो है वो जो जीप टाइप गाड़ी होती है उनमें ढाबे लगा करते, वहां जैसे भी हितेश जी बता रहे थे, बहुत सारा जो फुटपाथ है वो सारा घेर के रखा हुआ। लेकिन पिछले काफी समय से आप देखिए कि वो सब चीजें वहां से हटा दी गई है। और जो वेंडिंग जोन की बात की है अभी राकेश जी ने, अब जिस जिस सेक्टर में वेंडिंग जोन बन गए हैं, फॉर एग्जाम्पल सेक्टर 15 में बन गया। सूद साहब, मैं एक चीज बता दूं, मैं इस विषय पर पिछले सप्ताह शनिवार को डिबेट करना चाह रहा था, किन्हीं राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण मैं नहीं कर सका, आप भी उसमें आमंत्रित थे। जी, जी, जी। लेकिन आप एक चीज समझिए, उसी दिन मैंने सुबह से लेके और उसके एक दिन पहले की शाम को सारी चीजों के पूरे वीडियोग्राफी कराई थी, क्योंकि मैं डिबेट जब भी करता हूं तो पहले अपने पास सबूत चाहता हूं कि मेरे पास में लेटेस्ट सबूत हो टाइम और उसके सहित। और उस दिन के जो वीडियो हैं वो यही दिखाते हैं कि साहब अतिक्रमण तो बहुत भयंकर है। नहीं, अतिक्रमण आज और पहले में बहुत फर्क है। आप किस सेक्टर में आपने करवाया मुझे आप बताइए, मैं आपको उस सेक्टर के बारे में। नहीं, मैंने 7 में भी कराया, लेटेस्ट में भी कराया। हाँ, 9 सेक्टर की बात मैं करता हूँ, आप जिस भी सेक्टर में करें। मैंने 7 में कराया, 9 में कराया, 11 में कराया, 15 में कराया, 20 में कराया। अब मैं आपको इन चारों सेक्टर्स की बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये भी, जैसे राकेश जी कह रहे थे, सेक्टर 9 में जब हमारी नगर निगम की और हुड्डा की टीम ज्वाइंट टीम गई तो वहां पर कुछ दुकानदारों ने बदतमीजी की स्टेट अफसर के साथ, वो महिला थी, उसके बाद उनके खिलाफ फौरी एक्शन हुआ, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद आज आपने जिस दिन वीडियोग्राफी, मुझे नहीं पता, बट मैं कल वहां गया कुछ खरीदारी करने, वहां कल मैंने नहीं कराया, मैंने ईमानदारी से आपको बताया कि पिछले शनिवार को जब डिबेट करानी थी तब मैंने कराया। देखिए, कल मैं वहां गया था तो मैं जब वहां शॉपिंग करने गया तो वहां ब्रांडों में बहुत कम सामान था, उनको लीगल नोटिस आ चुके हैं हुड्डा के। ऐसी कार्रवाई इतिहास में जब से हरियाणा बना पहली बार, कभी कांग्रेस की वजारत रही, कभी
अपना इनेलो की वजारत रही, कभी ऐसा काम नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम जो है इनको लीगल नोटिस दिए जा रहे हैं और उनके उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, और ये पहला ही मामला था सेक्टर 9 में। फर्स्ट टाइम जो है कार्रवाई की जा रही है। मैं चलिए इसी बात पे आपकी बात पे, इसके अलावा सेक्टर 9 में आपको कहीं रेडी नहीं दिखेगी। सेक्टर 15 में वेंडिंग जोन बनाया, बहुत कामयाब है, वहां कोई रेडी आपको नहीं दिखेगी। सेक्टर 7 के अंदर जो हितैषी जन कुछ दुकानदार है, वो लोग भी रात को करते हैं, सुबह नहीं करते। लेकिन अब हमने पीछे जो है, मैं परसों शाम को सेक्टर 7 के वहां से गुजरा, तो वहां 3-4 केवल दुकानदार है, सिंह सन्स, वो 3-4 दुकानें सिर्फ, उसके अलावा वहां कहीं कहीं भी आपको इनक्रोचमेंट देखने को नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया सरकार काम कर रही है, पहली बार इस पे एक्शन हो रहा है, और बहुत बढ़िया सरकार की नियत रही है। आप अगर चाहें तो मैं आपके साथ आपके पास आता हूं उमेश जी, बहुत बढ़िया सरकार काम कर रही है, ये कहना है उमेश जी का। अब इस पर जवाब भी ले लेने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। तो मेरे साथ में रावल साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, और साथ में ही पंचकुला जो अब नगर निगम बन गया है, जब नगर परिषद था तो उसके चेयरमैन थे। रावल साहब आप बताइए, आपने भारत जी की भी बात सुनी, आपने राकेश जी की भी बात सुनी, और आपने उमेश जी की भी बात सुनी। उमेश जी का कहना है कि अब पहले की अपेक्षा राम राज्य आ चुका है, सारी चीजें सुधर रही हैं और कुछ चीजें सुधरने की तरफ हैं, और हरियाणा के इतिहास में पहली बार वहां से इस तरह से नोटिस दिए जा रहे हैं और सफाई हो रही है सारी चीजों। आप बताइए, आप लोग क्या उस समय सिर्फ कागजों की बात करते थे या घास छीलते रहते थे, कुछ नहीं करते थे, और अब काम हो रहा है, या उमेश जी गलत बोल रहे हैं? जी सर्वप्रथम मेरा सभी हमारे जो साथी हमारे साथ डिबेट में उनका स्वागत है। शुक्ला जी आपका स्वागत है कि आप समय समय पर पंचकुला की समस्या उठाते रहते हैं। अभी भारत हितैषी जी एक बात कह रहे थे, माननीय स्पीकर जी, माननीय हमारे मेयर महोदय, मैं सहमति नहीं रखता भारत हितैषी जी की बात से। स्पीकर साहब की इंटेंशन अच्छी रही है, पंचकुला का विकास चाहते हैं, मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक नगर निगम की बात है, पंचकुला नगर निगम पूर्णतः फेलवर है, मेयर एक शोपीस है। जहां तक हमारे भाई उमेश सूद ने कहा कि राम राज्य आ गया है, 15 सेक्टर वेंडिंग जोन की बात की, मैं कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन 15 सेक्टर वेंडिंग जोन में 15 सेक्टर में रह रहा हूं। तुम भाई सूद साहब आए, मैं उनको दिखाऊं कि 15 का वेंडिंग जोन कितनी बुरी तरह से फेल हुआ है। सारा शहर आज अभी भी फुल्ली इनक्रोच्ड है। इसके लिए हमें सख्ती करनी पड़ेगी, चाहे कांग्रेस राज रहा हो या भारतीय जनता पार्टी का राज हो। मैं अपने सभी साथियों सहमत होते एक बात करता हूँ, आज भी पंचकुला की सारी मार्केटें पूर्णतः एनक्रोच्ड हैं। कार्रवाई करने की कोशिश होती है, सुबह एनक्रोचमेंट हटाई जाती है, शाम को वो लोग वहीं होते हैं। हमें इसके लिए सभी पार्टियों मिलजुल के कार्य करना पड़ेगा, एक सख्त निर्णय लिया जाना चाहिए। उसमें हमें समाज का सहयोग भी चाहिए, सेक्टर वालों का सहयोग भी चाहिए कि जिस जो भी दुकानदार ये कार्रवाई करता मिले, अपने दुकानदार ने क्या कर रखा है, अपने बाहर खड़े जगह किराए पे दे रखे हैं, उनसे पैसे वसूले जाते हैं, ऐसे दुकानदारों की दुकानदारें जब्त कर लेनी चाहिए। जब तक हम सख्ती नहीं करेंगे, या जिस भी वेंडर को सामान बेचते हुए पकड़ते हैं उसको पकड़ के परमानेंटली बाहर कर दिया जाना चाहिए, उसका सामान वापस नहीं किया जाना चाहिए। जब तक हम ये सख्ती नहीं करेंगे, तब तक पंचकुला में क्या कहीं भी राम राज्य नहीं आने वाला। पंचकुला त्रस्त, आप चंडीगढ़ से कंपैरिजन करिए, चंडीगढ़ की सेक्टर मार्केट में चल जाइए, कहीं एनक्रोचमेंट नहीं है। पंचकुला में एनक्रोचमेंट क्यों होती है, कहां से आते हैं लोग, ये किसके संरक्षण में आते हैं लोग, ये पंचकुला आज त्राही त्राही माम है। कार्रवाई करने में पहले ही कहा है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ के कहा है, स्पीकर महोदय ने कोशिश की है, करते हैं, समय समय पर अधिकारियों को कहते हैं, लेकिन नगर निगम उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं करता, ना को कार्रवाई करता है। आज पंचकुला एनक्रोचमेंट से भरा पड़ा है। इसके लिए मैं माननीय सूद जी से, हमारे भाई है युवा नेता, कहूंगा कि और एफर्ट्स कीजिए, बदलवाइए, कानून ऐसा लेके आइए कि जो भी ऐसी कार्रवाई करता मिले, वोट बैंक की राजनीति छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हमारा भी समर्थक हो, चाहे बीजेपी का समर्थक हो, जो भी शॉपकीपर ऐसा काम करता है किसी पार्टी संबंधित हो, वो भाजपा से भी हो सकता है, वो कांग्रेस से भी हो सकता है, कार्रवाई करो, उसकी दुकान जब्त करो, ताकि वो दोबारा ऐसी कार्रवाई ना करवा सके। जो वेंडर पकड़ा जाए उसका लाइसेंस जब्त किया जाए, उसका सामान वापस ना किया जाए। कानूनी कार्रवाई जब तक सख्त नहीं होगी, पंचकुला फ्री नहीं हो सकता, मेरा इस विषय में ये कहना है। चलिए, रावल साहब का कहना है कि ये राजनीति से ऊपर उठ करके किया जाना चाहिए, क्योंकि हम सब बासिंदे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने शहर की,
और जब हम अपने शहर की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सारी चीजों से ऊपर उठ के सबके भले के लिए सोचना चाहिए, करना चाहिए। मैं आता हूं राकेश जी के पास। राकेश जी, जिस तरह से उमेश जी ने कहा कि सारी चीजें सुधर चुकी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ कहना है रावल साहब का कि जो इलाके के विधायक हैं वो कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद उसके नगर निगम उनकी सुन नहीं रहा है, कर नहीं रहा है, हुड्डा सुन नहीं रहा है, कर नहीं रहा है, ऐसी स्थितियां। जबकि सूद साहब का कहना है कि रावत साहब की एक्शन, वो रावत साहब आपत्ति करेंगे जो भी कहेंगे, वो बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, रावत साहब खुद आपत्ति करेंगे। और उसके बाद में उस स्थिति में आपको लगता है कि सारी बातें जो कही गई हैं क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि बींग अ नागरिक आप ज्यादा बेहतर सच जानते हैं। जी राकेश। अजय जी, इसमें ऐसा है, ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगती है बार बार जब सुनने को मिलती है कि नगर निगम के नागरिक या हुड्डा के, सॉरी, नगर निगम के अधिकारी या हुड्डा के अधिकारी नहीं बात मान रहे हैं। सर, मेरे को नहीं लगता प्रशासन के पास या विधायक जी के पास ऐसा पावर, इतनी जितनी जबरदस्त पावर है। अगर किसी अधिकारी ने उनकी बात को थोड़ा सा बीच में भी बोल दिया ना, तो वो इमीडिएटली ट्रांसफर करा सकते हैं उसकी। ये तो बहुत बड़ी चीज है, जो अतिक्रमण है ये तो उनकी इज्जत का एक सवाल है, क्योंकि ये विधानसभा अपने ये उसमें भी उठ चुका है सवाल के, इसमें वो कमीशन ली जाती है वगैरह। बिल्कुल, तभी मैं कहूँ कि वो सारे सवाल आ चुके हैं कि इसमें राजनीतिक संरक्षण है, उन्हें इसके बेनिफिट मिलते हैं, इसमें वसूली होती है, ये सारे आरोप लग चुके हैं और ये विधवा तक में कहे जा चुके हैं। ऐसा कहना कि भी ये अपना अधिकारी लोग काम नहीं कर रहे हैं, मैं इस चीज को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो विधायक जी की बात को एक सेकंड के लिए भी मना कर दे, एक सेकंड के लिए। यहाँ तो हवा भी नहीं आ सकती पंचकुला में विधायक जी के उसके बिना। तो ये तो प्रशासन है, इनके हाथ में तो पावर है, पूरी पावर है, ये कर सकते हैं। करना चाहते भी होंगे तो शायद किसी वजह से नहीं कर पाते होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, रेड़ी फेड़ी वालों का जहां तक सवाल है, वेंडिंग जोन का जहां तक सवाल है, जब तक स्ट्रीट वेंडर एक्ट के नियम को सही नीयत से, नीति से लागू नहीं करना चाहेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा, ये अतिक्रमण नहीं हटेगा। मैं भी यही हूँ, आप भी यही है, सब देख सकते हैं। जो जबरदस्ती करने से क्या हो जाएगा, डंडा मारने से तो कोर्ट भी है, कोर्ट भी रोक देगी इनको। लेकिन जब इनका एक्ट बन गया है, एक्ट के रूल से क्यों भाग रहे हैं? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि एक्ट के रूल को क्यों नहीं लागू करवा रहे? मैं तो सभी नेताओं को कहता हूँ, बहस कर ले किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके, एक भी रूल बता दे कि हमने ये रूल लागू किया है। नहीं करना चाहते, करना नहीं चाहते, नियत नहीं है। चलिए मैं आता हूँ भारत हितैषी जी के पास। हितैषी साहब, जो बातें हैं सब आपके सामने आ चुकी हैं, अब आप बताइए आप इस पे आपका क्या कमेंट है। जी हितैषी साहब। मैं दूसरे वक्ताओं के कमेंट्स के बारे में करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक और मुद्दा है, बाजारों के बरामदों और सड़कों के अलावा शहर के सेक्टरों में सरकारी जमीन पर सैकड़ों अवैध झुग्गियां शहर वासियों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पंचकूला शहर में खड़ग मंगोली व राजीव कॉलोनी की तर्ज पर कालका व पिंजौर क्षेत्रों में भी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर पक्के घर बनाए जा रहे हैं, और इस प्रकार से अफसरों की मिलीभगत के चलते सरकारी जमीनों पर एंक्रोचमेंट की शिकायत स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी सरकार को हाल ही में की थी। यहां तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अवैध एंक्रोचमेंट रोकने के लिए ड्रोन के जरिए अवैध कब्जों के निगरानी रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन लगता है शायद पंचकूला जिले में सरकारी सहयोग से एंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, जिसके लिए अफसरों पर नकेल डालने की सख्त जरूरत है। जी, अफसरों पर नकेल डालने की जरूरत है। और ये सारी बातें जब आती हैं तो सारी चीज आती है कि इसका मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी पर या यहाँ के प्रशासन पर वो पकड़ नहीं है। अब सूद साहब कुछ कहना चाह रहे थे, अब आप कहिए जो भी कुछ कहना है। जी, पूरी पकड़ है, बल्कि मैं रावल जी ने जो बात कही, रविंदर रावल जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, राजनीति से ऊपर उठकर बात की है। लेकिन सरकार 100% सख्ती से चल रही है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। और आप हम चारों लोग एक बार शहर का राउंड कीजिए दिन में मेरे साथ, शाम को जब मर्जी। बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है, कुछ दिक्कतें रहती हैं,
लेकिन उनको भी जल्दी दूर किया जाएगा। नहीं, वो दिक्कतें क्या है वही तो बात। देखिए शुक्ला जी, एक चीज देखिए, इस सरकार ने बहुत बड़ा काम किया, ये भी जरूर कहना चाहिए। पहले एक बूथ होता था, आप चंडीगढ़ में जाएंगे तो वहां मेरी अपनी दुकान है, वहां बूथ है, बेसमेंट भी अलाउड नहीं है। यहाँ पर हरियाणा की भाजपा की सरकार ने बूथों को शोरूम बना दिया। एक ग्राउंड फ्लोर तो पहले है ही था, बेसमेंट प्लस फर्स्ट फ्लोर। अब सरकार की नियत और नीति 100% ठीक है। अगर सरकार व्यापारी हित में ना होती तो ये चीजें नहीं लागू होती थी। कुछ चीजें दुकानदारों को भी देखनी चाहिए, जैसे भी रावल साहब ने भी सिर्फ व्यापारियों की यही तो आरोप लगता है कि व्यापारियों की अकेले सरकार है। भाई जनता की भी तो सोचनी पड़ेगी, जनता की भी समस्या जाना पड़ेगा। इतनी इनक्रोचमेंट पिछले 2 साल में 1.5 साल में दूर हुई है। आपने सेक्टर 9 का जिक्र किया, सेक्टर 7 का जिक्र किया, सेक्टर 20 का जिक्र किया, सेक्टर 15 का किया। आप जाके चेक कीजिए ब्रांडों में कितना माल पड़ा है। जिस दिन से इनके पास नोटिस आया है, इन लोगों ने खुद ही नोटिस के डर से पीछे कर लिया सारा सामान। सरकार इसके ऊपर सख्त है, विधानसभा स्पीकर इस पे सख्त है, और स्पीकर साहब पूरा एक्शन लेंगे। राकेश जी ने जो बात की है, अफसरों पे पूरी नकेल ना होती तो आज 7 सेक्टर के वो ढाबे और 9 सेक्टर की जो रेहड़ियां लगा करती थी वो आज कहाँ है। आप मुझे बताइए, एक भी रेहड़ी वहां दिखती नहीं। सेक्टर 7 के सारे ढाबे वहां से चले गए, जहाँ पूरा एक होटल लाइन रहा करती थी। इसलिए शुक्ला जी, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, और सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। सरकार बहुत बढ़िया काम और बढ़िया तरीके से करेंगे। मेजिया कहना है, रावल साहब अब फाइनल कमेंट आपका, कि जो सारी बात कही उमेश जी ने और दूसरे लोगों ने, आप उस पे आपका कमेंट चाहिए। फाइनल कमेंट आप क्या कहते हैं, और क्या सच है, और क्या सच सब आक्रमण हट गया है और सब बहुत अच्छा हो गया है चंद चीजों को छोड़ के। जी रावल साहब जी, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा, कोशिश हुई है, कोशिश की गई है सरकार द्वारा, लेकिन मैं फिर दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि नगर निगम जो स्थानीय सरकार होती है वो अपने कार्य करने में फेल रहता है। विधायक की अपनी लिमिटेशंस रहती हैं, विधायक की स्पीकर भी है, उनकी एक लिमिटेशन रहती है, लेकिन जो डे टू डे कार्रवाई स्थानीय स्तर पर होनी चाहिए वो नहीं हो रही। जहाँ तक भारतीय तैशी जी कह रहे थे राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, ये खड़क मंगोली, मैं सहमत नहीं हूँ। वो लोग एक गरीब मजदूर तबका है, शहर को सेवा देता है, उनकी रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। उसको मैं एनक्रोचमेंट नहीं कहूंगा, वो शहर बसने से पहले बसा हुआ है, हमारे आने से पहले वो लोग बसे हुए हैं, शहर को उनकी जरूरत है, उनको बसाया जाना चाहिए, रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए। जहां तक नया कानून बना के सख्ती से जो दुकानदार भाई चाहे किसी पार्टी संबंधित रखता हो, हम लोगों को वोट बैंक से ऊपर उठना पड़ेगा। वोट बैंक से ऊपर उठ के कार्रवाई होगी, जब वो कार्रवाई दिखती नजर आएगी पंचकुला एनक्रोचमेंट फ्री हो जाएगा। चंडीगढ़ में एनक्रोचमेंट क्यों नहीं है, चंडीगढ़ में प्रशासन जो है वो अंडर दिल्ली की अंडर प्रशासन है, यूटी की सरकार है, राजनीतिक प्रभाव कम है। हमारे यहाँ जो भी कार्रवाई हो रही है राजनीतिक प्रभाव उसको बचाता है, चाहे हम सत्ता में रहे हो या भाई सूद की सरकार हो। जब वो संरक्षण हटेगा ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसा राकेश अग्रवाल जी ने कहा, ये कानून बन जाए, वो कानून बन जाए, स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू हो जाए, वो लागू तभी होगा जब हम लागू करना चाहे, जनता भी सहायता करे और हमारे दुकानदार भी सहायता करे, तब जाके चीजें होंगी। सरकार ने कोशिश की है, इस कोशिश को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और मजबूती से कदम लेके मसूद भाई कहूंगा कि स्पीकर महोदय कहें, अपने अधिकारियों कहें, सख्ती से लागू करें। पंचकुला सबका है, पंचकुला अतिक्रमण फ्री होना चाहिए ताकि ये सुंदर शहर चंडीगढ़ के बराबर खड़ा हो सके, दिख सके। जी, एक सुंदर शहर खड़ा हो सके, सबको मिलके काम करना होगा, सारी चीजें आगे बढ़ानी होंगी और राजनीति से ऊपर उठना होगा। लेकिन राजनीतिक संरक्षण इन अपराधियों को, इन्हें अपराधी कहा जा सकता है क्योंकि समाज के अपराधी हैं, अतिक्रमण करके समाज के लिए संकट पैदा करते हैं, तो इनसे निपटना पड़ेगा और इसके लिए सबको एक होकर के खड़ा होना पड़ेगा और इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि वो यहाँ विधानसभा अध्यक्ष नहीं बल्कि यहाँ के विधायक हैं, जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं, उन्हें सबका ध्यान रखना होगा। मेयर को ज्यादा कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, इसके साथ मैं अपनी चर्चा को समाप्त करता हूँ। आप सभी आए, आप सभी का धन्यवाद।